खनिज विभाग और राजस्व विभाग की नाक के नीचे करोड़ों के अवैध रेत की हेरा फेरी। मध्य प्रदेश की नदियों का कर रहे हैं सीना छलनी। विभागों के ही मातहत हैं अवैध उत्खननकर्ताओं के पालनहार। नेताओं की शय में जान लेने पर होने लगे हैं उतारू अब अवैध उत्खननकर्ता। देखिए पूरी खबर। दोस्तों नमस्कार, मैं वारिस खान, हमारे कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों की, विशेषकर नर्मदा नदी की। तो अवैध उत्खननकर्ताओं ने उत्खनन कर न केवल नदियों का सीना छलनी किया बल्कि गहरी और मनमानी खुदाई कर पानी का रुख बदलकर उसके आंचल का स्वरूप भी बदल दिया। ऐसे ही पहाड़ों की खुदाई कर प्राकृतिक धरा बिगाड़कर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ता हमारा न्यूज़ चैनल प्रदेश की नदियों में हो रहे उत्खनन को लेकर ऐसे मामले उजागर करने जा रहा है जिसमें न केवल उत्खननकर्ता बल्कि खनिज और राजस्व विभाग के जुड़े लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। पहले हम आपको जिलेवार क्षेत्रीय नदियों और बड़ी नदियों में उत्खनन की जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं खरगोन की कुंदा नदी और वेदा नदी में जमकर हो रहे अवैध उत्खनन की। बड़े स्तर पर हो रहे अवैध उत्खनन और इससे जुड़े उत्खननकर्ताओं के तार कहीं ना कहीं विभागों और नेताओं से जुड़े हैं। यही वजह है जब हमारी टीम इन नदियों में उत्खनन की सूचना पर पहुंची तो उत्खननकर्ताओं में कुछ भाग खड़े हुए तो कुछ डराने धमकाने से भी बाज नहीं आए। उत्खनन की इन तस्वीरों को देखकर शायद आपके मन में भी टीस सी होगी कि किस कदर अवैध काली कमाई करने वाले मिलीभगत कर नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं। एक और तो जीवित नदियां हैं जिन्हें खत्म करने में उत्खननकर्ताओं से लेकर नेता अधिकारी तक शामिल है, तो दूसरी तरफ आम लोगों और सरकार की नज़र में अच्छे बनने के लिए नदियों के पुनर्जीवन का ढकोसला भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब जिले के खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी के कार्यालय पहुंचे तो वह नदारद मिले। वहीं जब राजस्व के अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गहलोत से मिले तो उन्होंने पहले तो मामले में अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन जब कुछ माह पूर्व की उन्हीं की कार्यवाही से जुड़ी बातें उन्हें याद दिलाई तब दबी जबान में वर्तमान की हकीकत को स्वीकारने लगे। हालांकि जल्द ही बड़ी कार्यवाही करने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में देरी नहीं की। ट्रैक्टर से देखेंगे, जेसीबी देखेंगे, जो उधर उधर रोकथाम करता है काफ़ी वहाँ पे, लेकिन कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। देखिए लगातार राजस्व विभाग और खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है जिसमें पुलिस विभाग का भी सहयोग रहा है, लेकिन बीच बीच में इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रही हैं और अभी अन्यत्र कार्यों में व्यस्त थे इसलिए अब लगातार फिर से कोई प्लान करते हुए एक बड़ी कार्रवाई जल्दी करेंगे। कुंदा का सीना छलनी किया जा रहा है, देखें तो काफ़ी कुंदा में इस बेल्ट में जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार जेसीबी और ट्रैक्टर पकड़ने की कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए कुंदा में आसपास कई सारे रास्ते हैं इसलिए बहुत सारा टीम ले जाकर मल्टीपल टीम के साथ में एक साथ कार्रवाई करनी पड़ती है, अकेला अधिकारी जाके उसमें कार्रवाई नहीं कर सकता इसलिए फिर से दल बनाकर एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। कुछ दिन पहले भी बड़ घाटों सर में कार्रवाई थी, आप खुद भी गए थे वहाँ, कुछ बात हुआ था, केस भी बना था, लेकिन उसके बाद भी देखा था असर नजर नहीं आता। ये तो निरंतर करने वाली कार्रवाई है, लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। शहर में देखें सर तो जगह जगह रेत के बड़े ढेर लगी, बिना अनुमति के इतनी बड़ी मात्रा में रेत रखना, इसके लिए खनिज विभाग की तरफ से पहले दिखवाएंगे कि कहां कहां पर उन्होंने भंडारण के लिए अनुमति प्रदान की है, क्योंकि वो खनिज विभाग जारी करता है और जहां पे बिना भंडारण की अनुमति के कोई भंडारण हुआ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। इसके बारे में तो पुलिस विभाग बता पाएगा। हम आपको बता दें कि शहर किस तरह इन अवैध रेत उत्खननकर्ताओं से घिरा है। नदियों को छलनी करने वाले ये जिम्मेदार नर्मदा से उत्खनन कर शहर में रेत से ढेर लगाकर खुलेआम नियमों को तोड़ रहे हैं।
या कहे कि जिम्मेदार विभागों की नाक के नीचे यह खेल चल रहा है। शहर के मनीष मार्केट के सामने लगे रेत के ढेर और संतजीत स्कूल रोड के दोनों तरफ लगे रेत के ढेर, शुभिसी हॉस्पिटल के सामने डायवर्सन रोड से लेकर बिस्टान रोड तक शहर भर में लगे रेत के ढेर अधिकारियों को नज़र क्यों नहीं आते? हम आपको बता दें कि सड़क पर बिना हेलमेट बिना कागजी दस्तावेज के बाइक सवारों पर रोब झाड़ती पुलिस को अवैध रेत गिट्टी मुरुम परिवहन के लिए सड़कों पर अनाधुंध चलते ट्रैक्टर डंपर वाहन नज़र नहीं आते, जबकि यह सब सीसीटीवी की नज़र से होकर ही गुजरते हैं। अधिकांशतः तो पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए कॉलोनियों और सकड़े रास्तों से घुसते कृषि उपयोगी ट्रैक्टर भी गलियों में बैठी पुलिस तो सीसीटीवी तक को नज़र नहीं आते। इन हालातों में साफ नज़र आता है कि किस तरह रेत के अवैध उत्खनन परिवहन को नेता अधिकारी से लेकर पुलिस की शय है। दिन निकलने से पहले ही इन माफियाओं का राज शुरू हो जाता है। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम आपसे दोबारा मिलेंगे और नई जानकारियों नए खुलासों के साथ। नमस्कार।